एबीपीएस न्यूज गांव की जरूरतों व आवश्यकताओं को एबीपीएस न्यूज के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की मुहिम के तहत एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद शाहजहांपुर के ब्लॉक खुटार स्थित नवदिया ओरीलाल गांव पहुंचा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 12 किलोमीटर है। लगभग 1800 की आबादी व 1150 वोटरों द्वारा राधेश्याम को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वर्तमान समय में गांव में लगभग 260 राशन कार्ड धारक लाभार्थी हैं। गांव में विकास कार्यों की बात करें तो पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 17 हैंडपंप, विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 36 विद्युत पोल, 2 विद्युत ट्रांसफार्मर व 16 लाइटें भी लगी हुई हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में सीसी टाइल्स रोड, खड़ंजे, पुलिया, पानी निकासी के लिए नाली, चक रोड का निर्माण कराया गया है तथा प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 104 इज्जत घरों व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 आवासों का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में पानी निकासी के लिए नाला, सीसी टाइल्स रोड, खड़ंजे, शमशान घाट, पंचायत भवन, स्वास्थ्य केंद्र, बारात घर, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। ग्राम प्रधान नवदिया ओरीलाल, ब्लॉक खुटार, तहसील पुवाया, डिस्ट्रिक्ट शाहजहांपुर। मैंने अपने गांव में जो है खड़ंजा, नाली और 104 शौचालय, 18 आवास बनवा दिए हैं और उसमें जो है हमारे किस्त के है, गांव पंचायत में किस्त कमाती है, इसलिए जो है विधिवत रूप से कार्य गांव के सभी कार्य नहीं हो पा रहे हैं। जो पैसा आता है गांव में वही उतना ही कार्य करा देते हैं। और हमारे यहां पे जो है शमशान घाट की बहुत बड़ी दिक्कत होती है और इसलिए अगर शमशान घाट अगर मिल जाए गांव के लिए तो हम लोगों को बहुत अच्छा रहेगा। एक पंचायत भवन की ज़रूरत है गांव में, वो भी अगर हो जाए तो अच्छा रहेगा। जो 3500 रुपये आ रहा है इसमें जो है मानदेय की मान लीजिए बहुत कम है। इसमें जो है प्रधानों का जो है मानदेय कम से कम तो जो है 10-12 हज़ार रुपये तो मिनिमम होना ही चाहिए, इसलिए क्योंकि उसमें बहुत से ज़्यादा खर्चे होते हैं और जो है 10 हज़ार से 12 हज़ार तक अगर हो जाए तो अच्छा रहेगा।